हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गॉसेस थ्योरम के बारे में। हम लोगों ने केवल अभी एक लेक्चर देखा है गॉसेस थ्योरम का, लेक्चर नंबर 1, जिसमें आप लोग एरिया वेक्टर के बारे में समझे थे और थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन दिए थे फ्लक्स का। और फ्लक्स चल रहा था, फ्लक्स में बताए थे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना फील्ड लाइन्स पास करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम ये भी बात बताए थे कि फ्लक्स जो है 3 चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और एंगल। एंगल किसके बीच का बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम ये भी बताए थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग फ्लक्स देखे थे, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है। आप जानते हैं क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है, तो साइड ऑफ क्यूब जो है आपका डिवीजन है, साइड ऑफ क्यूब है ए, हर एक साइड आपका ए। तो आपको कैलकुलेट करना है फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, जबकि ये क्यूब जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये आपका जो फील्ड है बच्चों कैसा है? यूनिफॉर्म। तो देखिए क्यूब में टोटल 6 फेसेस होता है, तो 6 फेसेस की वजह से हम कल डिस्कस किए थे कि एक फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर इधर, इस फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर अंदर की ओर, इस वाले फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर आपका जो होगा लेफ्ट साइड, इस वाले फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, और इस वाले फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर राइट साइड। और 2 फेसेस आपका ये हुआ, इसके वजह से एरिया वेक्टर इधर, इस वाले फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट साइड का, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट, तो हमको फ्लक्स निकालना है क्यूब की वजह से। तो देखिए ये वाले फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर इधर, अब फील्ड राइट साइड है तो एंगल बनेगा 90 का, यानी कि आपका फ्लक्स 0। इस वाले फेसेस की वजह से भी फ्लक्स 0, इस वाले फेसेस की वजह से एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड इधर, एंगल कितना बना 90 का, यानी कि इसकी वजह से भी फ्लक्स 0। इस वाले फेसेस की वजह से देखिए एरिया वेक्टर नीचे, फील्ड राइट साइड, तो यहां भी एंगल 90 डिग्री, इसकी वजह से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब बच गया ये वाला, तो इसको फाइव वन अगर मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, कितना एंगल बना 180 डिग्री। तो E नॉट इंटू ए इंटू कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, तो E नॉट और एरिया जो होता है, फेसेस जो दिखता है आपको क्यूब में, स्क्वायर दिखता है, तो E नॉट इंटू ए स्क्वायर। और इस फेसेस की वजह से अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट किए तो 52 इज इक्वल टू E नॉट इंटू ए, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि आपका हो गया E नॉट इंटू ए स्क्वायर। अगर हम चर्चा करें नेट फ्लक्स का, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल है, जब आपको फॉलो करेगा तो नेट फ्लक्स हो जाएगा बच्चों 0। इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द
सिलिंड्रिकल बॉडी फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलिंड्रिकल बॉडी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका एक सिलेंडर है, ये अनदर सिलेंडर है, और जो सिलेंडर रखा हुआ है फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो आपको इस सिलेंड्रिकल बॉडी के वजह से फ्लक्स चाहिए। आप पहले इसको पॉज करके नोट बनाने का कोशिश कीजिए, तब हम सॉल्यूशन बताते हैं। एक मिनट सोचिए। चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, बहुत बच्चे का सही भी हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए, सिलेंड्रिकल में टोटल तीन सरफेसेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेसेस, लेफ्ट राइट सरफेसेस जो होता है उसको बोलते हैं फ्लैट सरफेसेस, और ये वाला जो सरफेसेस होता है इसको बोलते हैं कर्व सरफेसेस। तो इस फ्लैट सरफेसेस की वजह से ऐसा कि ये सिलेंडर है, इस फ्लैट सरफेसेस की वजह से एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इसके वजह से इस फ्लैट सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, इस फ्लैट सरफेसेस की वजह से एरिया वेक्टर राइट साइड, और ये जो कर्व सरफेसेस है इसके वजह से एरिया वेक्टर ऊपर। अब ध्यान से समझे, क्योंकि इस अगर हम कर्व सरफेसेस का बात करें तो एरिया वेक्टर ऊपर फील्ड राइट साइड, कितना आंसर हुआ बच्चों? जीरो। वेरी गुड। आप देखिए इस वाले फ्लैट सरफेसेस की वजह से, मान लीजिए कि इसका फ्लक्स फाइ वन है, तो फाइ वन इज इक्वल टू एरिया वेक्टर इधर फील्ड राइट साइड, कितना एंगल बना? 180 डिग्री। तो ई ए इंटू कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि ई है, एरिया वेक्टर जो होगा ये वाले सरफेसेस का होगा पाई आर स्क्वायर कॉस 180 माइनस 1। इस वाले फेसेस के वजह से अगर हम लोग सरफेसेस के वजह से बात करें तो एरिया वेक्टर भी इधर फील्ड भी इधर, आपका जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, तो आपका रिजल्ट आएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम लोग नेट फ्लक्स का चर्चा करें तो आंसर आ जाएगा 0। अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को लिख लीजिए कि फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो इसका एसआई यूनिट होता है फ्लक्स का, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, यानी कि जो फाई होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इसको नोट कर ले, तब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग तो बहुत सारा क्वेश्चंस देखे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अब एक आध वो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो देखिए अच्छे से समझे, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आप लोग को। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका स्फीयर है, ठीक है बच्चों? अब ये सब जो आपका फील्ड दिखाया गया है
ये सब सारा का सारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो फील्ड है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सब आपका क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग मान लिए कि यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर बाहर क्यों होगा, जो भी लाइन रेडियस के अलोंग होता है सब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मान लिया इस वाले सरफेस का बात करें तो एरिया वेक्टर राइट साइड होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो डी ए यूज करेंगे। इस वाले सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर होगा। किसी भी सरफेस का बात करें हमेशा रेडियस के अलोंग है सब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब चूंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या यूज होगा बच्चों, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब दोनों के बीच का एंगल देखिए, ई और डी ए के बीच का एंगल जीरो डिग्री है तो कितना हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो डिग्री। अब हम लोगों को निकालना है फील्ड, तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि ये रेडियस है तो अगर एक पॉइंट चार्जेस है आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है तो हमारा फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इनटू डी ए डी पाई। बिल्कुल सही है। अब क्या कहे, हमको तो पूरे की वजह से फ्लक्स चाहिए तो स्मॉल पार्ट की वजह से हुआ तो पूरे को पूरे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो फाई इज इक्वल टू डी पाई, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब जो डीए का मतलब है कि पूरे स्फीयर का एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब ये छोटा सा का एरिया डीए, तो पूरे का सम चाहिए तो पूरा जो एरिया होगा क्लोज सरफेस का वो आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, ये वाला कैंसिल हो गया तो आपका जो रिजल्ट आया फ्लक्स का क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, इसे नोट कर ले अच्छे से। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। फिर से एक क्यूब पर क्वेश्चन दिखाते हैं लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म के टर्म में देखिए आप अच्छे से। ये मान लीजिए कि एक क्यूब है, और ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है z एक्सिस, ये आपका लेंथ l है, क्यूब का साइड है a, यहाँ पर लिख देते हैं साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब का जो बच्चा साइड होगा वो होगा a। अब हम लोगों को बोला जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, और जो फील्ड आपका दिया हुआ है राइट साइड है, लेकिन ये जो है आपका फील्ड अब की बार जो है फील्ड, तो फील्ड का वैल्यू गिवन है E नॉट इनटू एक्स इनटू आई कैप। तो एक्स जो है ना वेरिएबल पार्ट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। आई ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे होता है। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, सेम तरीके से इस वाले फेसेस के वजह से एरिया वेक्टर इधर, फ्लक्स जीरो, इस वाले फेसेस के वजह से एरिया वेक्टर अंदर और फ्लक्स राइट साइड फिर से जीरो, इस वाले फेसेस के लिए एरिया वेक्टर आपका ऊपर फ्लक्स राइट साइड फिर से जीरो, इस वाले फेसेस के लिए ध्यान से देखिए एरिया वेक्टर नीचे फिर राइट साइड फ्लक्स जीरो, इस वाले फेसेस के वजह से एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, इस वाले फेसेस के वजह से एरिया वेक्टर राइट साइड। अब ध्यान से देखें इस वाले फेसेस के वजह से मान लीजिए कि हम लोग फाइ वन ले लिए, तो फाइ वन कितना हो जाएगा ई डॉट ए,
अब सुने, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड फील्ड राइट साइड, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो ई नॉट एक्स डिस्टेंस है, कहां से लीजिएगा, डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से कंसीडर किया जाता है, तो इस वाले फेसेस का जो डिस्टेंस है वो एल है, तो आपका एल हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ, और एरिया साइड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और चूंकि एरिया वेक्टर इधर फील्ड इधर, तो कितना एंगल बन गया 180 डिग्री, तो आपका जो रिजल्ट हुआ ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर ये 51 का वैल्यू। अब बच गया सिंगल फेसेस, तो इस वाले फेसेस की वजह से हम लोग चर्चा करें, इस वाले फेसेस को 51 माने हैं, तो इस वाले फेसेस को 52 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 52 इज इक्वल टू दोनों का डायरेक्शन सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नॉट, और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंसेस जो होगा एल प्लस साइड, यानी कि एल प्लस ए, और इंटू कितना बच्चों ए स्क्वायर, और कॉस 0° 1 हो गया, यहाँ पर निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि कॉस 180 - 1 था, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा दोनों का सम 51 + 52, तो रिजल्ट कितना आ गया, इसका वैल्यू है माइनस ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर प्लस ई नॉट इंटू ए क्यू, ये दोनों कैंसिल, तो आपका नेट फ्लक्स आ गया ई नॉट इंटू ए क्यू। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस दिमाग को लगाते रहे, सोचते रहे, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, इसको नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज वेक्टर ई इज इक्वल टू 3/5 इंटू ई नॉट इंटू आई क्या प्लस 4/5 ई नॉट इंटू जे क्या, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू 2×10⁻³ न्यूटन पर कूलम, फाइंड फ्लक्स through the rectangular surface of area 0.2 m² which is parallel to yz plane। अब ध्यान से समझिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपकी बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों 3/5 ई नॉट इंटू आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट इंटू जे कैप। अब ध्यान से समझिए, हम लोगों को चाहिए एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी गिवन है 0.2, लेकिन ये जो है ना पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, तो एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये पैरेलल टू आपका वाई जेड प्लेन है, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स आपका इधर होगा, ये वाला एक्स एक्सिस होगा, तो परपेंडिकुलर तो होता है सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपका एरिया वेक्टर होगा इधर होगा। इसका कहने का मतलब है कि एरिया वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है 0.2 × i कैप। अब यहां चूंकि दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो डायरेक्ट आप फ्लक्स लगा सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 3/5 v0 × i कैप प्लस
4 by 5 v naught into j cap और एरिया वेक्टर दिया हुआ है 0.2 i cap। हम लोग जानते हैं i dot i 1 होता है डॉट प्रोडक्ट से, j dot i 0, तो i dot i 1 यानी आपका आ गया रिजल्ट 3 by 5 e naught into 0.2, जहां आपका e naught का वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power 3 into 0.2। अब ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 6 12 हो गया, ये 12 आपका, 0 को नीचे ले आइए तो 50 into 10 to the power 3 यानी 1000, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 यानी आ गया 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आपका बच्चों हो गया फाइनल आंसर, इसे अच्छे से नोट कर लेता हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं बोर्ड को अच्छे से साफ कर लेता हूं। बोर्ड बहुत गंदा हो चुका है बच्चों, इसीलिए थोड़ा बोर्ड अच्छे से कंप्लीट कर देता हूं साफ करके, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर पढ़ाई में किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ दूर हो जाए जिस चीज़ से आपको परेशानी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट है आपका सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल जो है बिल्कुल ही आसान है, एक प्लेन एंगल होता है एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है बच्चों, प्लेन एंगल जो है ना हमेशा लेंथ को कंसीडर करता है। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर, हम लोग पहले ए पॉइंट पे थे, स्फीयर का रेडियस है, हम लोग पहले ए पॉइंट पे थे, कुछ देर के बाद पहुंच गए बी पॉइंट पर। ये जो आर्क बना वो एल है, रेडियस आर, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। तो थीटा बराबर होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क जो आपका एल है रेडियस आर है, तो ये जो होगा बच्चों प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल में एक रिवोल्यूशन में एक चक्कर में जो टोटल एंगल बनता है 2π इन वन रिवोल्यूशन। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अभी सॉलिड एंगल का, तो सॉलिड एंगल कंसीडर करता है एरिया, सॉलिड एंगल कंसीडर एरिया। अब सॉलिड एंगल कहां बनता है, तो देखिए जो कोण होता है, ये देखिए ये कोण है, और कोण में यहां पर जो बच्चों एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, और ये एरिया को कंसीडर करता है। ये सब जो है बच्चों, ये जो एंगल यहां बन रहा है, यहां पर जो एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल में एरिया जो होता है आप जानते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए डीए दिखाया गया है इस सरफेस के या इस सरफेस के, और ये आपका रेडियस है आर। अब ध्यान से समझिए सॉलिड एंगल क्या कंसीडर करता है, एरिया। सॉलिड एंगल को हम लोग या तो ओम से, जैसे रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उस तरह से लिखाता है, इसको ओमेगा बोलते हैं या डी ओमेगा, इसी को बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो आपका होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर।
और वहां था आर्क बाई रेडियस, रेडियस स्क्वायर हो गया, क्यों? चूंकि एरिया था और एरिया वेक्टर, चूंकि एरिया कंसीडर करता। अगर मान लीजिए किसी कारण बस यहां पर जो सरफेस बना इस टाइप से बने, अगर सरफेस इस टाइप से बनेगा बच्चों तो एरिया वेक्टर फिर चेंज कर जाएगा। एरिया वेक्टर चूंकि सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये आपका एरिया वेक्टर डी ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आप लिख सकते हैं फिर से डी ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डैश बाई आर स्क्वायर। तो डी ए डैश कुछ नहीं है बल्कि यही चीज अगर एंगल पे चला जाए तो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप जो जनरलाइज रिजल्ट है उसको आप लिख सकते हैं कि जो सॉलिड एंगल होगा बच्चों, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू जो होगा डी ए परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया लेना है और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही आपका फाइनल रिजल्ट आया। फिर से सुनिए एक बार, हम और रिपीट कर देते हैं। प्लेन एंगल कंसीडर करता है लेंथ को जबकि सॉलिड एंगल कंसीडर करता है एरिया को। सॉलिड एंगल कहां पर बनता है? जो कोन है वहां पे जो एंगल बन रहा है, ये सब सबको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एरिया को कंसीडर करता है क्योंकि प्लेन एंगल लेंथ बाय रेडियस था, तो यहां एरिया है तो डीए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डीए जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो यहां डीए बाय आर स्क्वायर। अगर सरफेस जरा सा भी चेंज हो जाए तो एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो डीए डैश बाय आर स्क्वायर। लेकिन किसी एरिया का बात करें तो इसका कंपोनेंट तो नहीं है इस डायरेक्शन में, तो डीए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यानी कहने का सेंस ये है कि जो डीए होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें कि सॉलिड एंगल में एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, तो ध्यान से समझे। मान लीजिए कि ये स्फीयर है और ये जो है आपका रेडियस है और ये आपका एरिया दिखाया गया है, ये एरिया है। ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ ओमेगा निकालना चाहें तो डी ए परपेंडिकुलर, ये आपका डी ए परपेंडिकुलर है, तो एरिया जो होता है स्फीयर का 4πr², तो 4πr², ये छोटे वाले एरिया के लिए, तो पूरा का जो हम लोग लेंगे तो 4πr² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी कि सॉलिड एंगल के द्वारा जो बनाया गया एंगल होता है एक रिवोल्यूशन में, वो कितना होता है बच्चों? 4π। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप उस चीज को कमेंट कर सकते हैं। और मैं विशेष आज इतना विशेष क्या बोलूं, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग गॉसियस थ्योरम की ओर मूव करेंगे। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं अंत में कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यारा शिक्षक मनोज कुमार।